हे गाइस, मैं हिमांशु चुग आप लोगों के लिए सेहत के कुछ ऐसे राज आज लेकर आया हूँ जिससे आप अपनी कुछ आदतें सुधार कर अपनी डाइट को ऊपर नीचे कर कर या अपनी बॉडी को क्लीन कर कर भी खुद को फिट रख सकते हैं। बट अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो वीडियो को अभी बंद कर दीजिए और जैसे लाइफ कट रही है कटने दीजिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि अच्छी सेहत वाला इंसान बहुत ही खुशनसीब होता है और आप भी ऐसा बहुत जल्दी मान जाएंगे या मानते भी होंगे, क्योंकि अगर शरीर ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो हम किसी भी सुख सुविधा का आनंद नहीं ले सकते हैं। आजकल का जो लाइफस्टाइल है, जो खाना पीना है, उस वजह से हम किसी ना किसी रोग से पीड़ित हो रहे हैं, जैसे कि कब्ज, एसिडिटी, गैस, माइग्रेन या बहुत सी प्रॉब्लम्स है। हमारा जो खाना पीना है उसी का मिलावटी होना ही सबसे बड़ा रीजन है। अनार, दूध, दही कुछ भी प्योर नहीं है, उससे हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अब हम इसमें कर भी क्या सकते हैं, इसमें हमारी क्या गलती है, इसे हमें खाना तो पड़ेगा ही, मैं भी खाता हूँ, हम इसको घर पर तो नहीं उगा सकते ना, बट हम इसके बुरे असर जो हमारी बॉडी पे पड़ते हैं उसको तो ख़त्म कर सकते हैं ना। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही आप डिटॉक्स वाटर से अपनी बॉडी को क्लीन कर सकते हैं। सुनिए कैसे। तो हमारी बॉडी में 2/3 हिस्सा पानी है। शरीर को साफ रखने के लिए आपको रोजाना 4 से 5 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। इससे हमारी बॉडी में मौजूद हानिकारक तत्व बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। यह बॉडी को बहुत अच्छा डिटॉक्स करता है। इनफैक्ट जो सुबह की आप ब्लैक टी पीते हो उसकी जगह आप वार्म वाटर पीजिए, क्योंकि जो टी होती है एसिडिक होती है, इससे हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। बेटर है कि आप वार्म वाटर ही लीजिए। रात को आप तांबे के बर्तन में पानी रख दीजिए सुबह खाली पेट पीने से, यह बहुत फायदा पहुंचाता है। इसे अपनी रूटीन बना लीजिए। अक्सर कुछ लोग अपने मोटापे से परेशान हैं या अपने खराब पाचन तंत्र की वजह से परेशान हैं, उनके लिए मेरी सबसे बड़ी राय ये है कि उनको टाइम पे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करना चाहिए और बाहर का जंक फूड और मसालेदार खाना बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट है, खाना खाते समय आपको पानी नहीं पीना या खाना खाने के बाद भी आपको पानी नहीं पीना। खाना खाने से 30 मिनट्स पहले या खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही आपको पानी पीना है और खाने को चबा चबा कर धीरे धीरे खाना है। ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका हम ख्याल नहीं रखते, फिर बाद में हम ब्लेम करते हैं कि मुझे तो ये प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे ये प्रॉब्लम कैसे हो गई, मैं तो बिल्कुल ठीक था। टाइम निकाल कर आप रनिंग, साइकिलिंग या फिर वॉक ही कर लीजिए, इससे आपको और ज़्यादा फायदा पहुँचता है। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि मेरा तो पूरा दिन भाग दौड़ वाला काम है, मेरी तो रूटीन में इतनी भाग दौड़ हो जाती है कि मुझे एक्सरसाइज की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, वो आपकी रूटीन का एक हिस्सा बन चुका है, उसकी बॉडी को आदत हो चुकी है। इसलिए अगर आपको एक्स्ट्रा रिजल्ट चाहिए तो एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ेगा। साथ ही आपको अपने आसपास सफाई रखनी है, टेंशन से दूर रहने के लिए मेडिटेशन करनी है, कुछ भी खाने से पहले हैंड वॉश करना है, अच्छी और पूरी नींद लेनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करना है, दूसरों की अच्छी सेहत के लिए वीडियो को शेयर भी करना है और आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट कर भी जरूर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो सबसे पहले मिल जाए। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।